हाय यूट्यूब फैमिली, जब भी हम अकम्पनीमेंट्स या साइड डिशेस के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कोई चटनी, पापड़ या सैलड के बारे में। तो आज मैं इन्हीं के आपको ऐसी वेरियस डिशेस बताऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और उनको बार बार बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थानी स्टाइल टमाटर मिर्ची से। इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 फ्रेश ग्रीन चिलीज। इसको हम थोड़ा मोटे क्यूब्स में चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं करना है। और सेम तरीके से हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे क्यूब्स में, हमें फाइनली चॉप नहीं करना है। टमाटर और मिर्च का साइज़ हमें सेम रखना है। यहाँ पे हम जितनी मिर्च लेंगे, काट के हमारा जितना अमाउंट होता है, हम इक्वल टमाटर लेंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 मिर्ची और 3 बड़े टमाटर लिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल को हीट करके मैंने 2 टीस्पून राई डाली है, और राई का तड़का देने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल के थोड़ा पका लिया है, जब तक हरी मिर्च थोड़ी वाइट सी दिखने लगे। अब मैंने सारे अपने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें मैं कुछ सिंपल मसाले डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, वन टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, जो सिर्फ कलर देगा। हमारा तीखापन यहाँ मिर्ची से आएगा, इसलिए मैं तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा रंग के लिए डाला है, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कटोरी पानी। इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके और सिम फ्लेम पे कुक होने दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। अब 8 से 10 मिनट बाद हम देख सकते हैं कि हमारा सारा पानी सूख चुका है, मसाला अच्छे से पक चुका है और ये अराउंड 80% कुक्ड है। तब मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैं फिर से इसको कवर करके कुक करूँगी फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स बाद आप देखिए थोड़ा ऑयल छूट चुका है, हमने ऑयल कम ही लिया था, ऑयल हमारा छूट चुका है और अब ये पूरा अच्छे से पक गया है। चलिए हमारी चटपटी जायकेदार टमाटर मिर्ची को सर्व करते हैं। इसको आप इंजॉय करिए पराठे के साथ वैसे ही, या दाल चावल के साथ, बहुत यमी टेस्ट आएगा। नेक्स्ट अप इज राजस्थानी स्टाइल पापड़ की चुरी। इसके लिए हमें चाहिए 4 पापड़, 3 अनियन और बेसिक मसाले। यहाँ पे मैं पहले अपने अनियंस चॉप कर लूँगी, इनको हमें फाइन चॉप नहीं करना है, इनको हम कैसे भी चॉप कर सकते हैं, बेसिकली हमें इन्हें रफली चॉप करना है। मैं एक चॉपर में इन अनियंस को रफली चॉप कर लूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन चॉप नहीं किया है मैंने, इनको सिर्फ रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तब तक हम अपने पापड़ सेक लेंगे। आप पापड़ कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए 2 डिफरेंट टाइप के पापड़ लिए हैं। 2 मैंने मूंग की दाल के प्लेन पापड़ लिए हैं और 2 मैंने चने की दाल का मसाला पापड़ लिया है। आप कोई सा भी पापड़ ले सकते हैं, इसका टेस्ट एकदम यमी आएगा। मैंने चारों पापड़ को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इन्हें अपने जो चॉप्ड अनियंस थे उसमें क्रश कर लूँगी, अच्छे से क्रश कर लूँगी सारे हमारे पापड़, उनको फाइनली क्रश कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अनियंस के साथ। अब हम इसमें घी डालेंगे। यहाँ पे मेरा स्पून छोटा है इसलिए मैंने 4 से 5 चम्मच घी डाला है। बेसिकली यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी जाएगा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घी ना सिर्फ इसको यमी टेस्ट देगा, लेकिन मसाले भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और पूरे पापड़ और प्याज में मसाले आएंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले लिए हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला।
इनको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमारी पापड़ की चोटी एकदम रेडी टू सर्व है। इसको हम अपने सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और गार्निश कर लेंगे फ्रेश कोरिएंडर से। यम्मी टैंगी टेस्टी पापड़ की चोटी इज़ रेडी टू सर्व। नेक्स्ट हम बनाएंगे मसाला लच्छा प्याज। ये बहुत ही इजी है बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले अनियंस को सर्कल्स में कट कर लेंगे और फिर इनके लच्छे सेपरेट कर लेंगे। इसमें हमें बहुत ही पतली पतली अनियन रिंग्स बनानी है और इनके लच्छे इजीली सेपरेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सारे अनियन रिंग्स के लच्छे सेपरेट कर लूँगी। अब इन लच्छों को मैं एक बोल में डालूँगी जिसमें मैंने आइस वाटर लिया है। इसमें डालने से क्या होगा कि हमारे जो अनियंस हैं वो बहुत देर तक सौगी नहीं होंगे। जब हम मसाला लच्छा प्याज बनाएंगे तो हमारे अनियंस बहुत देर तक सौगी नहीं होंगे। मैंने इन अनियंस को 5 मिनट उसमें छोड़ दिया था वाटर बाथ में और फिर मैंने सारा वाटर ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, या मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और थोड़ा सा चाट मसाला। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ हमारे अनियंस बिल्कुल ड्राई हैं, मैंने अच्छे से पानी ड्रेन कर लिया था। आइस वाटर जो लिया था वो मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और गार्निश कर लूँगी विथ फ्रेश कोरिएंडर। सर्व विथ लॉट्स ऑफ लव। फ्रेंड्स, डू ट्राई आउट दीज चटपटी झटपट रेसिपीज एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज सब्सक्राइब टू ट्रेंडिंग फूडी जूही। बाय बाय एंड टेक केयर।